स्वामीनारायण श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 7 का हिंदी में पुनरावर्तन 2 है उसका भाग 2 आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों हमने अगले तास में विराम चिन्हों के बारे में और अर्थपूर्ण वाक्य कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में अभ्यास किया था। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न 9 निम्नलिखित विधान का काल पहचानिए उसके बारे में आज हम अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों काल के बारे में तो हम जान चुके हैं, जब हम ऑफलाइन पढ़ते थे तभी आपको काल यानी कि समय के बारे में जानकारी है वो मैंने आपको दे दी। तो बच्चों काल कितने होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बच्चों एक बार हम रिविजन कर लेते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो वर्तमान काल जो क्रिया है वो अभी चल रही है इसे क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे क्या बोला जाएगा? भूतकाल। और जो क्रिया अभी हुई ही नहीं है मगर आगे जाकर होने वाली है यानी कि क्रिया है वो अभी अपूर्ण है तो उसे क्या बोला जाएगा? भविष्यकाल। यानी कि क्रिया चल रही है उसे वर्तमान काल, क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे भूतकाल और क्रिया अभी होने की बाकी है होने वाली है उसे क्या बोलेंगे? भविष्यकाल। तो बच्चों हम अब प्रश्न 9 है उसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों उसमें आपको पहला विधान दिया है कि बाग में कोयल बोलती है। अभी बाग है उसमें कोयल अभी बोल रही है तो बच्चों क्रिया है वो अभी चल रही है तो कौन सा काल हुआ? आप तुरंत ही पता लगे कि वर्तमान काल। तो इसमें क्या आएगा? वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। बच्चों गृह कार्य यानी कि आपको स्कूल में जो होमवर्क दिया जाता है वह तो धारा नाम की एक लड़की है उसने अपना गृह कार्य यानी कि अपना होमवर्क है वो कर लिया है पूर्ण कर लिया अपना होमवर्क। तो कौन सा काल हुआ? इसमें क्रिया है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देती है तो उत्काल। तीसरा है मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा पूरा मन लगाकर मैं अभ्यास करूंगा। अभी मैं नहीं करूंगा मगर अब मैं पूरी लगन से अभ्यास करूंगा यानी कि क्रिया है वो भी अपूर्ण है तो कौन सा काल हुआ? भविष्य काल। उसके बाद चौथा मिट्टी से खुशबू आ रही है। अभी मिट्टी है उसमें से खुशबू है बारिश जब होती है तब मिट्टी से क्या आती है? खुशबू आती है। तो बारिश का मौसम है और मिट्टी की खुशबू आ रही है तो यहाँ पर लिखा है मिट्टी से खुशबू आ रही है। अभी मिट्टी से खुशबू है वो आ रही है तो क्रिया है वो चल रही है तो कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े। बाढ़ यानी कि ज्यादा बारिश आती तब बहुत ही पानी गांव में और शहर में भर जाता है उसे क्या बोला जाता है? बाढ़। तो बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े यानी कि बाढ़ आ गई है बारिश आ गई है और उसके साथ